मैं आज मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन एक छोटी सी मिसाल से। एक गांव में दो किसान रहते थे। वो एक जैसा काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, सब्जियां उगाते थे, गल्ला उगाते थे, चारा उगाते थे, और वो मार्केट में सब्ज मंडी में आके बेच जाते थे। पुराना दौर था, बैल गाड़ियाँ थी उनके पास, और रोज का वो ये काम करते थे, लेके आके मंडी में बेच जाते थे। पहला किसान जो था उसकी साथ बहुत ही अजीब से वाकयात होते थे। एक तो वो उसका बुरा हाल था, उसके पास कोई पैसा या जो होता था न होने के बराबर, और वो जो है रोज परेशान भी रहता था, और उस सोचता ये था कि कल जो है मंडी में मंदी ही होगी। हमेशा वो जो है इस किस्म की सोच रखता था कि कल कोई गांव आएगा या नहीं आएगा, कल कोई बारिश हो जाएगी, रास्ते में कोई हादसा हो जाएगा, पहुंच सकूंगा नहीं पहुंच सकूंगा, और उसके साथ ऐसे ही होता था। कभी वो आ रहा है तो उसके रेड़े की जो है ट्राली से टक्कर हो गई, रेड़ा भी उल्टा पड़ा, खुद भी उल्टा पड़ा। दूसरा किसान हमेशा खुश रहता था और ये सोचता था कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, अल्लाह की तरफ से जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। इंसान के हाथ में अल्लाह ताला कोई बुरा नहीं करता, इंसान खुद ही अपने हाथ में बुरा करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा अच्छा ही होती है। तो वो सोचता था कल मैं जाऊंगा, अच्छी मार्केट होगी, अच्छे गांव होंगे, अच्छा माहौल होगा, अच्छा मौसम होगा, अच्छा रास्ता होगा, और उसके पास मुनाफा ही मुनाफा होता था, खुशहाल था, गप्पे लगाता था, ही वाज वेरी हैप्पी। बेटे सोचने वाली बात यह है कि इनमें इतना फर्क क्यों था। पहला किसान जो कुछ सोचता था वो गंदी सोचता था, हमेशा कहता था कि कुछ नहीं होने वाला, सब खराब है, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ही जो है कोई अच्छा होगा। और दूसरा हमेशा सोचता था कि अच्छा ही होगा, और उसके साथ अच्छा ही होता था, हमेशा अच्छी उम्मीद लेके जाता था, और उसके नतीजे भी उसको अच्छे ही मिलते थे। दोनों किसान एक ही गांव में रहते हैं, एक ही किस्म का काम करते हैं, एक ही तरह से वो चीजें आके बेचते हैं, नतीजे मुख्तलिफ थे, एक खुशहाल और एक बदहाल। ये सिर्फ किसानों पे नहीं है बेटे, ये दुनिया की हर चीज पे गालिब है। अगर आप तालबिल अपना मुआसरा करें, मुआसबा करें, तो आप एक जैसे घरों से निकल के आते हैं, एक ही जैसा रास्ता होता है, एक ही जैसा स्कूल है, बल्कि एक ही स्कूल है यहाँ बैठे हुए, एक जैसी असाफा है बल्कि एक ही असाफा है। फिर क्या होता है कि आप में से कोई 95% 98% नंबर लेके टफ आ जाता है, और कुछ ऊपर जो है देखता ही रह जाता है, फिर एफ ग्रेड, और बाजू का बच के पास भी होता है तो नैरो मार्जिन। यही फर्क है, हम क्या सोच के निकलते हैं और फिर उसके क्या नतीजे निकलते हैं। मैं आज थोड़ा सा आपको ये जो अल्लाह ताला ने हमारी कपड़े के अंदर ब्रेन दिमाग रख दिया है ये कैसे काम करता है। असल में मशीन है ना, जो कि हमारे तमाम तार हालात को, हमारे साथ होने वाले वाकयात को, हमारे साथ होने वाले वाकयात को, हमारे नतायज को, हमारे एहसास को, हमारी खुशियों को, हमारी गमियों को, यही कंट्रोल कर रहा है। हम इसको समझ जाएंगे कि ये काम कैसे करता है, तो फिर हम इससे काम भी ले सकेंगे। कोई भी मशीन आपके घर में है, अच्छी से अच्छी मशीन है, अगर आपको चलाना नहीं जानते, उसको ऑपरेट करना नहीं जानते, तो आप उसे काम नहीं ले सकते। ये मशीन भी बहुत बड़ी मशीन है। एक दफा किसी ने कहा था, ऑन द साथ नथिंग स्पेशल, ओनली द ह्यूमन बीइंग,
एंड विद द ह्यूमन बीइंग नथिंग इज स्पेशल बट द ब्रेन। ब्रेन के अंदर आप जानते हैं, ब्रेन जो है दो चीज होती है, दिस इज ब्रेन एंड माइंड। उर्दू में कहते हैं इसको दिमाग, और दोनों को दिमाग कहते हैं। ब्रेन एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। ब्रेन इज हार्डवेयर एंड माइंड इज सॉफ्टवेयर। ब्रेन अल्लाह ताला ने ये मशीन एक जैसी सबको दे दी है, फर्क ये होता है कि हम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं। जिस तरह किसान का सॉफ्टवेयर डलो हुए आप समझ सकते हैं, हर वक्त वक्त बुरा सुरा सकता है, मायूसी है, अब दूसरे के जेब में कामयाबी है, खुशी है। दीज आर द सॉफ्टवेयर विच हैव बीन पुट। जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, एक सॉफ्टवेयर डालते हैं अजीब सी किस्म की गंदी फिल्में, गाने, नाच गाने, ड्रामे, बर्लस किस्म के, और सारा दिन बैठ के वो कंप्यूटर वही करेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर की टर्म है, जो इसे देंगे वही निकलेगा। अच्छे सॉफ्टवेयर डालेंगे आप क्रिएटिव किस्म के डाल सकते हैं, अपने अच्छे लेक्चर डाल सकते हैं, अपने सिलेबस के रिलेटेड खूबसूरत चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर फजूल किस्म की गेमें डाल के सारा दिन जाया कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पे जो डालेंगे वही निकलेगा, जो सॉफ्टवेयर डालेंगे वैसे ही नतीजे बरामद होंगे। सेम इज विद द ब्रेन। इसके अंदर जो आप सॉफ्टवेयर डालेंगे वैसा ही काम करेगा। अच्छा, ब्रेन सबके होते हैं, एनिमल्स के भी हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन इज वेरी एडवांस मशीन। इसमें आप कहते हैं कि देयर आर द 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ये पता नहीं पहले कम कहते थे, अब लेटेस्ट कहते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आप जानते हैं जिसको नर्व सेल भी कहते हैं, यानी सेल। There are 100 billion, 100 अरब, you can imagine. और एक न्यूरॉन जो है, it works like a computer, it processes. अगर ये दिमाग को यानी कंप्यूटर्स रख के उनके साथ केबल भी तो जरूरी है ना, केबल लगा दिया जाए तो कहते हैं बुर्ज खलीफा से ऊपर निकल जाए। बुर्ज खलीफा जानते हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में, उससे भी ऊपर निकल गया। अच्छा, न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शंस हैं, केबल्स हैं, और कहते हैं कि हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, यानी 100 बिलियन न्यूरॉन, और हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो आप जरा अंदाजा कर लें कि उसमें कितनी तारें केबल्स लगी हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर जमीन के ऊपर वो तारें एक लाइन में फैला दी जाए तो जमीन के गिर्द दो चक्कर लगा लेंगे, चांद के ऊपर ले जाए तो चांद तक जाएगी, वो रस्सी बना दें और वापस जमीन पे फिर पहुंच जाएंगे। तो इस आपके इसके अंदर क्या कुछ पड़ा है जरा अंदाजा लगा लें। और इंसानों ने इसका इस्तेमाल भी नहीं सीखा, यानी सबसे टैलेंटेड पर्सन को भी कहते हैं 7% कुछ 11% कहते हैं, इससे ज्यादा उसने भी इस्तेमाल नहीं किया आइंस्टाइन के बारे में। तो व्हाट टू टॉक अबाउट अदर पीपल, कि हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं सीखा। तो आज मैं बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे मुमकिन है। पहले तो ये बताऊं कि ये जो ब्रेन है इसके न्यूरॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड। इस खास किस्म की जब सोच हमारे अंदर आती है तो खास किस्म के न्यूरॉन दूसरे किस्म के न्यूरॉन के साथ कनेक्शन जो है, यानी कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। कनेक्शन तो है, कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। समझे, फर्स्ट किया एक बंदा बड़ा मायूस है, वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपके घर में कुछ होते हैं स्टूडेंट, कहते हैं मैं तो बिल्कुल टफ टफ पढ़ नहीं सकता, मेरा सत्यनाश है, ये काम बड़ा मुश्किल है। ये खास किस्म के न्यूरॉन दूसरे किस्म के न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये हमेशा उन्हीं पे कम्युनिकेशन करते रहते हैं और इनकी सोच वैसे ही रहती है। अगर ये बच्चा दूसरी तरह से सोचना शुरू कर दे, जो कामयाब स्टूडेंट सोचते हैं,
कि अल्लाह हैज गिवन मी ऑल द कैपेबिलिटी, आई एम द बेस्ट, आई एम मिराकुलस, आई कैन डू व्हाटएवर आई लाइक टू डू, आई कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ने मेरे लिए कायनात बनाई है मुसख़र करने के लिए, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया, आई एम द खलीफा ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, मैं उस खालिक का खलीफा हूँ। इस जमीन पे मुझे भेजा इसलिए गया है कि आई शल रूल। तो अगर ये सोच डेवलप हो जाए तो एक दूसरे किस्म के न्यूरॉन दूसरे किस्म के न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पहले कनेक्शन स्लो हो जाते हैं, नए कनेक्शन फास्ट हो जाते हैं। जो स्टूडेंट एनर्जेटिक महसूस करता है, एंथुसियास्टिक महसूस करता है, बिलीव यू मी, हम क्लास में जाते हैं, कुछ स्टूडेंट देख के खुश हो जाते हैं और इतने खुश होते हैं कि हकीकत जाने सारा दिन खुशी से गुजरता है। यार ऐसे लोग, ऐसे बच्चे अल्लाह ताला हर माँ बाप को दे, ऐसे जहीन। और मैं कहता हूँ कि मैं खुश किस्मत हूँ कि मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे मौजूद हैं, और ऐसे बच्चों की वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं कभी किसी से शिकस्त नहीं खा सकता। तो जब वो मायूस तालिबे इल्म अगर ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं आई एम मिराकुलस, आई कैन डू, थोड़ा सा फर्क है, तो दूसरे न्यूरॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट अप हो जाते हैं। और ये लंबे अरसे तक जब सोचता रहता है ना, कुछ अरसे तक उसकी सोच जारी रहती है, तो फिर क्या होता है कि ये कनेक्शन पक्के पक्के बहाल हो जाते हैं और दूसरे कनेक्शन डेड हो जाते हैं। और ये जब बहाल हो जाते हैं तो बंदा ऑटोमेटिक लग जाता है, फिर उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती। तो मतलब ये है कि दिमाग के हम वो कनेक्शन डेड कर दें और सिर्फ उन कनेक्शन को हम एक्टिवेट करें जो हमें अच्छी सोच देते हैं, जो हमें कामयाबी की सोच देते हैं, जो हमें एक नई मंजिलें दिखाते हैं, जो हमें उम्मीद दिलाते हैं, जो हमें फतह की तरफ लेके जाते हैं, नाकामी की तरफ नहीं लेके जाते। एक दफा वो हाल हो जाए, जब हम ये सोचते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा होती है। वैसे तो कहते हैं कि फिर आपके हर सेल के अंदर आप जानते हैं डीएनए है, इट्स पार्ट ऑफ ब्रेन, फिर उनको जाके वो इफेक्ट करते हैं और पूरी बॉडी आपकी एक्टिव हो जाती है और तवना हो जाती है। और फिर उनको जिस तरह मैं कहता हूँ कामयाब तालिबे इल्म जो होता है, एक अच्छा तालिबे इल्म जो होता है, वो सिर्फ तालिबे इल्म नहीं होता, उसको मौका मिलता है तो यहाँ स्पीच भी करके चले जाता है, यहाँ हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, उसको मौका मिलता है तो अच्छा गेम भी कर जाता है, उसको मौका मिलता है क्योंकि उसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है, वो ब्रेन के पार्टिकुलर कनेक्शन हैं जो बुनियादी। अच्छा इस वक्त भी कुछ तालिबे इल्मों पर नजर पड़ रही है गुफे से, और दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, दे आर लिसनिंग समवेयर एल्स, नजर आ रहा है, आई एम सीइंग फ्रॉम हियर, यू विल थिंक सेम, यू विल कीप ऑन थिंकिंग सेम, रिजल्ट विल बी सेम, द मोमेंट यू चेंज योर थिंकिंग रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो वो आपके अंदर एक फीलिंग पैदा होती है जिसके असरात सीधा आपकी बॉडी पर होते हैं, बॉडी के अंदर कहते हैं ओरा कैंप हो जाता है, एनर्जी का ओरा, ओरा होता है, फाउल सा कैंप हो जाता है, उसके अंदर फिर एनर्जी पैदा होती है। और जो वो फर्क जो है अपने माहौल में घूम फिर रहा होता है, वो सिर्फ अपने आप को इफेक्ट नहीं करता, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इफेक्ट करता है, उनके अंदर भी एनर्जी, क्योंकि अच्छे तालिबे इल्म को हम देखते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ इतना मैं खुश हो जाता हूँ कि जैसे आसमान पर उड़ रहा हूँ। बेसिकली उसका ओरा है, एनर्जी है, जो भी उसके सर्कल में आता है उसके ऊपर भी अच्छे असर डालता है। और दूसरा बिल्कुल गुफा बैठा है, उसको देख के वो एनर्जी ओरा है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं, वो लोगों की एनर्जी कंज्यूम कर करके खुद फिर भी डेड रहता है। तो दिस इज द डिफरेंस के आवर ब्रेन पार्टिकुलर सेल्स गेट कम्युनिकेटेड विद अदर पार्टिकुलर सेल्स न्यूरॉन्स, और फिर जो है हर चीज तब्दील होना शुरू कर देती है। आज से सिर्फ हमने ये करें कि वो सोचें जो हमें पीछे लेके जाती है, जो हमें कहती है कि तुम निकम्मे हो, तुम तो बोल ही नहीं सकते, बुजदिल हो तुम, जो है ना इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते,
अगर उनके बजाय आप ये करें कि आई एम मिराक्लस, आई कैन डू, आई एम बोल्ड, आई कैन फेस एनी सिचुएशन, फिर नए कलेक्शन बहाल हो जाएंगे और इसके असरात आपकी फीलिंग्स आपकी बॉडी के ऊपर आएगी और बॉडी के ऊपर जो असरात होंगे वो अपने माहौल के ऊपर भी ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन होगा। और ये एक कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक एंथुजिस्टिक बंदा, कामयाब बंदा, कामयाब बंदा वही होता है एंथुजिस्टिक होता है जिसके अंदर जज्बा शौक होता है। उसका एक एक्सरे, एक्सरे कहूँगी एक माइक्रोस्कोपिक उसका जो है लिया गया, उसके अंदर एक ओरा स्ट्रॉन्ग किस्म का नजर आता है और जो बिल्कुल नाकाम मायूस होता है उसका ओरा नजर ही नहीं आता और इसके दरमियान वेरी करता है, किसी का ज्यादा है किसी का कम। व्हाट आई एम सेइंग, ओरा। अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये ओरा जो है मैग्नेट बन जाता है और ये चीजों को खींचता है अपनी तरफ। आप जो है आपका ओरा स्ट्रांग है आपकी तरफ लोग मुतवज्जे होंगे, आपको इज्जत देंगे और आपकी तरफ वो लोग आएंगे जिनको आप चाहते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको मजीद एक्सेलरेट कर देते हैं। और आप मायूस देखेंगे उनका ओरा होते ही नहीं, दो मायूस इकट्ठे बैठे होंगे हमेशा और कहेंगे यार ये जो है स्कूल बड़ा बड़ा है, ये जो है ना टीचर, ये जो है ना, वो बता के हमेशा यही सोचते रहते हैं और वो इस तरह रहते हैं। मेक द डिफरेंस, मैं ये नहीं कहना चाहता कि एक कहते रहे कि स्कूल अच्छा है। आई मीन टू से कि इन द वर्ल्ड घर माहौल हर चीज, अगर कोई चीज बुरी है तो आप ध्यान में रखें कि मैं बड़ा होकर फिर यही करूंगा, आई विल चेंज, आई विल चेंज, आई विल बी द चेंज एजेंट, देयर विल बी नथिंग बैड इन माय सोसाइटी, आई विल मेक अ डिफरेंस। तो ये जो बात मैं, अच्छा उसके बाद ब्रेन का फंक्शन कैसे करता है। ब्रेन जो है इसकी अजीब सी हालत है, ये एक ब्लैक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर ना आवाज जाती है ना इसके अंदर तस्वीर जाती है, कुछ भी नहीं जाती, सिर्फ इसके अंदर केबल्स लगी हुई हैं, सिर्फ तारे लगी हुई हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर के साथ आप डाटा केबल में कनेक्ट कर देते हैं, इसी तरह की तारे लगी हुई हैं। कान जो है अपना काम करता है, वहां से तार जो अंदर जा रही है, दिमाग जो है तारों के जरिए जैसे टेलीफोन की तारे हैं, आंखों के साथ भी एक तार लगी हुई है, बाकी सेंसर्स के साथ भी तारे लगी हुई हैं। ये अंदर पड़ा हुआ है, ये खुद जो है ना तो देख सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, आई मीन टू से ये प्रोसेस करता है, सिर्फ चीजों को रिसीव करता है और फिर फैसले करता है। अच्छा, दिमाग की जो लैंग्वेज है वो है इमेजेस, इमेजेस, आवाज भी नहीं सुन सकता, तस्वीर भी नहीं देख सकता। वहां पे जो इंफॉर्मेशन इन केबल्स के जरिए जाती है अंदर, जिसको ऑप्टिक नर्व्स भी कहते हैं, आर्टरी नर्व्स भी कहते हैं, हाँ जी, इनके जरिए इंफॉर्मेशन जो उस ब्रेन तक जाती है ये उनको रिसीव करता है और वहां पे तस्वीरें बनाता है, इट मेक्स द पिक्चर। तो ब्रेन की लैंग्वेज इमेजेस, इस कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है बाइनरी लैंग्वेज है, आप जानते होंगे जीरो और वन के अलावा ये कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता, पता है। एक तस्वीर इसके अंदर आप सेव करते हैं तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर जीरो और वन की फॉर्म में, इसके अलावा इसको पता ही कुछ नहीं है ना, ए बी सी के नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हैरत की बात, हर चीज को सेव करता है जीरो और वन की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर देता है। मसलन आपने एक लफ्ज बोला था, मैं नहीं पता वो कितनी जीरो और कितने वन लगा के उस आवाज को अपने अंदर कोड कर लेता है और फिर जब आप उससे वापस रिट्रीव करते हैं तो फिर उन्हीं को पढ़ के उसी आवाज को क्रिएट कर लेता है। इसके अलावा कुछ नहीं, इस तरह आपका ब्रेन जो है इमेजेस के अलावा कुछ भी नहीं जानता, इमेजेस सिर्फ तस्वीरें। अगर कोई चीज आप समझना चाहते हैं सही मायनों में समझना चाहते हैं तो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है कि उसका इमेज क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, तस्वीर बनाना, समझे। जैसी तस्वीरें बनती जाएंगी वो तस्वीरें फिर कहीं सेव हो जाती हैं, फिर आप उन तस्वीरों को रिट्रीव करके फिर आप लफ्जों में तब्दील कर देते हैं। अभी उसे मैं आपको एक वाक्य अगर सुनाता हूँ कि आज सुबह मैं घर से निकला तो वहाँ गली में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, सारे जो है
इधर उधर देख रहे थे और वो बाद में मुझे पता चला कि वहां पे बारात आ रही थी और पीछे से ढोल वाला बाजे वाला आ गया। ऐसा अच्छी तस्वीर बनी। अच्छा ये आपने क्या किया? आपने बेसिकली जो मैं बातें कर रहा हूँ आपने सुना, एड्रेनल नर्व्स के जरिए आपके दिमाग में पहुंचा और आपने तस्वीर बना दी कि सर जब निकले होंगे, तस्वीर आप अपने मर्जी से बना रहे हैं कि सर जब निकले होंगे इस तरह रश होगा, फिर पीछे से बाजे वाला कोई आ रहा होगा, कोई ढोल वाला होगा, कोई नाच रहा होगा। अच्छा ये तस्वीरें आपकी बनी। फिर किसी ने आपसे पूछा कि सर ने सबको क्या कहा था, तो आपने उन तस्वीरों को रीड किया और उनको फिर लफ्ज दे दिए और मुंह से बोल दिए। दिस इज द प्रोसेस गोइंग ऑन इन योर ब्रेन, समझे ना? और मेमोरी के अंदर जो है सेव होता जाता है। ये भी होता है कि पुरानी मेमोरी जो है डिलीट हो जाती है, नई मेमोरी आती रहती है, लेकिन इस ब्रेन के अंदर यू समझे कि गीगाबाइट्स तो बहुत छोटी सी टर्म है, इट कैन स्टोर बिलियंस मेगाबाइट्स, क्योंकि इतने कंप्यूटर हैं तो स्टोरेज कितनी होगी।